आज वो माँ बेटे को गोद में रख लेती और फूट फूट की रोने लगी और कहने लगी कि हे बेटा, जे ऐसे बयाबीन जंगल में हमारा कोई नहीं है तेरे बिना, तू भी मुझे छोड़ करके चला गया, अब तू ही बता कि हमारा ये जीवन किसके सहारे कटेगा। मेरे श्रोतागण बंधुओं, उसी समय बाग का माली आ जाता है। बाग के माली ने कहा कि बहन, इस बच्चे को सर्प ने डसा है और इस बच्चे की लाश फट जाएगी, तुम इस बच्चे का ले जा करके अंतिम संस्कार कर। आज जेठ की लपट चल रही है, मैया ने अपने हाथ में बेटा की लाश को उठाया, एक निर्दयी की तरह लेकर के चल पड़ी और कैसे रो रही है कि मैंने तुझे 9 मास गर्भपात में रखा था और जब तू छाया देने लायक हुआ तो हमें छोड़ करके चला गया। वो माँ जितनी दुखी है और कैसे रोने लगी, चलती जा रही है मरघट के लिए, जिस मरघट का पहरा लगा रहे हैं उनके पति हरिशंकर। अंदाजा लगाना श्रोतागढ़ बंधु, अरे चेत गर्भ में रहो और नींद भरी सोय और काया पहने हुई थी रानी तारा, उसी को आधा फाड़ा। अरे शीश धरनी पे मार रही, ओ शीश धरनी पे मार रही, और साड़ी नीनी फार लला पे कपन डर रही। उसी
समय आदि साड़ी को फाड़ा, बेटे के ऊपर कफन के रूप में डाल देती है और बेटे को लेके चलती है तो कहाँ के लिए जाती है? मरघट के लिए। जब मरघट के लिए रानी तारा पहुंची, मरघट में पहरा है हरिश्चंद्र का, चिता को छीन लिया। देखो स्त्री जाति में इतनी हिम्मत नहीं होती है। जो बेटी या बेटा का अंतिम संस्कार करती है, चिता को छीन लिया, बार बार बेटे को रख देती है, उठा लेती है, रख देती है, उठा लेती है। सोचने लगी ऐसे काम नहीं चलेगा, हिम्मत करके दिल पे पत्थर रख के एक अग्नि की लकड़ी उठाई और चिता में जब प्रज्वलित करने के लिए चली तो उजाला हुआ। तो आवाज लगाई हरिश्चंद्र, रे भाई इस मरघट में कौन है? इस मरघट का नियम नहीं जानते हो? मैं बिना कर लिए लाश को जलाने नहीं देता हूँ। अंदाजा लगा। पास में पहुंचे तो कहा कि रानी तुम ये बताओ मेरा बेटा कहाँ है? कि महाराज हम अपने बेटे का ही तो अंतिम संस्कार करने आए हैं। एक पल के लिए राजा हरिचंद को तबाहरा आ गया, एक पल के लिए। क्यों? अपना बेटा था। और उठ करके फिर खड़े हुए दोनों के बीच में कौशल खड़ा हो गया धर्म का। बोले रानी तारा, मैं वही राजा हूँ जो घड़ा भरने गया, तू वही रानी है जो आज मेरे पास आई है। जब तक मैं कर नहीं ले लूंगा तब तक लाश जलने नहीं दूंगा। तो रानी ने कहा कि मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, ये तुम्हारा बेटा है। बोले मेरे मालिक का हुक्म है। तब तेरे मालिक का हुक्म था कि तू मेहतर का घड़ा नहीं छू सकती। तूने मुझे बताया था कि मेरे हाथ में मेहतर का घड़ा है, मैं बगैर करके लाश को नहीं जलने दूंगा। उसी समय रानी तारा ने कहा, मरघट में रहते रहते हमें पता नहीं था और अरे हम पे विपता पड़ी और पिया तुम कठिन पे जठानी।